आपने डॉक्टर्स को इसे कई बार इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इसे हम इंफ्रारेड थर्मामीटर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये काम कैसे करता है और इसके पीछे की साइंस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम काफ़ी सालों से मर्क्यूरी थर्मामीटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हमें जिस भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना होता था उसके कॉन्टैक्ट में हम उसे रख देते और थोड़ी देर के बाद वो हमें टेम्परेचर बता देता, जबकि इंफ्रारेड थर्मामीटर को कॉन्टैक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम दूर से ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और ये हमें मैक्स टू मैक्स आधा सेकंड में टेम्परेचर बता देता है। तो इसके पीछे की हम साइंस जानने की कोशिश करते हैं। इंफ्रारेड लाइट की सारी प्रॉपर्टीज विजिबल लाइट की तरह ही होती है, सिर्फ इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम इसे देख नहीं सकते। और रेडिएशन के लॉस के अनुसार कोई भी बॉडी जो -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो रेडिएशन इमिट करती है। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेडिएशन को अगर हम मेजर कर लें तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी कि हमें जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उसके सामने हम इसे पकड़ते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर के आगे एक लेंस लगा होता है जो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेडिएशंस को रेडिएशन डिटेक्टर पर फोकस करता है, जिसे हम थर्मोपिल कहते हैं। यह थर्मोपिल रेडिएशंस को हीट में कन्वर्ट करता है और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर हमें डिस्प्ले पर टेम्परेचर बताता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ करते हुए DTS रेशियो को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो होता है। इसकी वैल्यू लगभग 30:1 या फिर 50:1 होती है, यानी कि अगर हम 50 इंच की दूरी से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर 1 square inch एरिया का एक स्पॉट तैयार हो जाएगा, यानी कि उतने स्पॉट से आने वाली रेडिएशन को ये डिटेक्ट कर हमें टेम्परेचर बताता है। हमें जितने एरिया का टेम्परेचर मेजर करना है उसके हिसाब से हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर को ऑब्जेक्ट से दूर रखना पड़ता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के आगे एक लेजर भी होता है जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट पर स्पॉट कहाँ पर है ये इंडिकेट करता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ करके हम -40 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो बस आज के इस रेडिएशन के सफर में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए परम पूज्य न्यूटन बाबा की जय।